दोस्तों नमस्कार, गुरुजी कॉम्पिटेटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। कक्षा 12वीं में अध्याय 5 से हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हल करने वाले हैं, जो वेक्टन से संबंधित अपनी प्रश्नावली है उसकी बात हम करेंगे। तो लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि फर्म के वेक्टन पर उसकी संपत्ति और दायित्व स्थानांतरित किए जाते हैं, अर्थात जो हमारी बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में जो दायित्व होते हैं, जो संपत्तियां होती है, इनको हम कहां पर हस्तांतरित करते हैं। तो आपको मालूम है कि बैलेंस शीट में पहला लाइबिलिटीज होता है और दूसरा असेट्स होता है। इस प्रकार से दो कॉलम बने हुए होते हैं और हमने आपको शायद समझाया होगा कि जो इसके विघटन के समय जब सबसे पहला खाता बनाया जाता है तो उसे हम वसूली खाता कहते हैं, और यह वसूली जो खाता होता है, यह वसूली खाते में जो संपत्ति होती है वो इस प्रकार से गुणे के निशान के आकार में हम उतार के ले आते हैं। अर्थात दोस्तों, संपत्ति जो डेबिट पक्ष होगा वसूली खाते का, इसमें संपत्तियां आ जाएगी, और दायित्व जो है वह क्रेडिट पक्ष में यहाँ पर दायित्व आ जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो आपको बताना है संपत्ति और दायित्व का स्थानांतरण कहाँ किया जाता है। तो ऑप्शन है पुनर्मूल्यांकन खाते में, लाभानि समायोजन खाते में, साझेदारों के पूंजी खाते में और वसूली खाते में। तो सीधा सीधा इन्होंने पक्ष भी नहीं पूछा, खाते का नाम ही पूछ लिया है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा वसूली खाते में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अलिखित संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि लिखी जाती है। अलिखित जो संपत्ति है, ऐसी संपत्ति जो हमारे लेखों में वही खाते में नहीं लिखी गई है, उन्हें हम कहाँ लिखते हैं। तो ऐसी संपत्ति का जो हमें भुगतान प्राप्त होगा उसे हम वसूली खाते में लिख लेते। साझेदारों के पूंजी खाते में नहीं लिखा जाता, संपत्ति में नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा वसूली खाते में। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फर्म के विघटन पर लेनदारों का भुगतान किस खाते में डेबिट किया जाता है। आपको बताना जो लेनदार होते हैं इनका भुगतान किस खाते में हमें डेबिट करना होगा। जब विघटन हो रहा है तो लेनदार का जो भुगतान किया जाएगा उसे क्या लेनदार के खाते में, या वसूली खाते में, लाभानि समायोजन खाते में, या रोकड़ खाते में। तो लेनदारों का जब भुगतान होगा तो इसे हम भुगतान करके वसूली खाते में ही लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि विघटन के समय सभी संपत्तियों से वसूली की जाती है और लेनदारों को भुगतान किया जाता है और उन्हें वसूली खाते में लिखा जाता है। क्योंकि यहाँ हम जब अंतिम विघटन के समय खाते बनाते हैं तो वसूली खाता, लाभानी सॉरी साझेदारों का पूंजी खाता, रोकड़ खाता और यहाँ पे बनाना अनिवार्य होता है। बैलेंस शीट यहाँ पे नहीं बनाई जाती, क्योंकि जब फर्म ही समाप्त तो हो जाती है, संपत्ति और दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है, तो बैलेंस शीट हमारे पास होती ही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्म के विघटन पर फर्म के लाभहानि खाते का शेष स्थानांतरित किया जाता है। जो लाभहानि खाते का शेष है इसको कहाँ स्थानांतरित किया जाएगा, तो इसे साझेदारों के पूंजी खाते में, वसूली खाते में, लाभानि वितरण खाते में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो लाभानि का शेष है इसे साझेदारों के पूंजी खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यहाँ पे हम इसे डेबिट और क्रेडिट फॉर्मेट में जैसे बनता है, आप जानते हैं डेबिट और क्रेडिट, और यहाँ साझेदारों के नाम लिख देते हैं जो भी साझेदार होते हैं, जैसे राम और मोहन, और यहाँ पर राम और यहाँ मोहन, इस टाइप से हम खाते बना के लिख देते हैं, तो यह साझेदारों के पूंजी खाते में लिख दिया जाता है। अगला देखिए, पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वसूली खाते में स्थानांतरित किया जाता है। आपको बताना है डूबत ऋण संचित नहीं किया जाता है, बिल्कुल ध्यान देना, नहीं किया जाता है। डूबत ऋण संचित खाता, विनियोग उच्चावचन निधि, रोकड़ खाता, या वसूली खर्च। तो यहाँ पर वसूली खाते में डूबत ऋण को किया जाता है, विनियोग उच्चावचन को किया जाता है, वसूली खर्च यानी समापन व्यय को किया जाता है, लेकिन रोकड़ खाता जो है इसके लिए एक अलग से ही खाता बनाया जाता है, बैंक खाता या रोकड़ खाता जिसे हम जानते हैं, इसे वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन 6, फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित किया जाता है। जो बैंक अधिविकर्ष होता है इसे कहाँ हस्तांतरित किया जाता है। तो जब हम
वसूली खाता बनाते हैं तब, या फिर साझेदारों के पूंजी खाते में, या फिर बैंक खाते या रोकड़ खाते में। तो देखिए, सबसे पहले रोकड़ खाता बनाया जाता है, अनिवार्य होता है, बस इसमें हस्तांतरित करते हैं वसूली खाते में, पूंजी खाते में या उपयोग पुनर्मूल्यांकन खाते में। तो पुनर्मूल्यांकन का सवाल ही नहीं उठता, वैसे ही हट जाएगा क्योंकि विघटन हो रहा है। तीन बचते हमारे पास ऑप्शन। बैंक अधिविकर्ष जो है, यह बैंक से लिया गया उधार है, हमारा ऋण है, और इसकी भरपाई करनी होगी, इसलिए यह बैंक अधिविकर्ष को हम रोकड़ खाते में हस्तांतरित कर देते हैं। दोस्तों आगे देखिए आप, प्रश्न नंबर 7, वसूली खाता है व्यक्तिगत खाता, नाममात्र का खाता, लाभानी खाता या साझेदारों का पूंजी खाता। तो वसूली खाते के दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। इससे हमें लाभ या हानि का पता चलता है, इसलिए यह एक नाममात्र का खाता कहलाता है। अगला देखिए 8वां क्वेश्चन, अवितरित लाभों का संचयों को हस्तांतरित किया जाता है। जो संचय होते हैं, जो अवितरित संचय, इन्हें कहाँ हस्तांतरित किया जाता है? रोकड़ खाते में, बैंक खाते में, साझेदारों के पूंजी खाते में, लाभानी खाते में। और सही जवाब हो जाएगा, संचय या लाभ जो है यह मालिक का ही धन कहलाता है, इसलिए इसे साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को क्या कहते हैं? वसूली व्यय कहते हैं, कानूनी व्यय कहते हैं, हानिगत व्यय कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को हम वसूली व्यय या समापन व्यय के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फर्म के विघटन पर साझेदारों के पूंजी खाते बंद किए जाते हैं। बिल्कुल सही है, पूंजी खाते बंद किए जाते हैं। वसूली खाते में करते हैं, नहीं करते हैं। आहरण खाते में करते हैं, नहीं करते हैं। ऋण खाते में नहीं, यहाँ बोला फर्म के विघटन पर साझेदारों के पूंजी खाते को बंद कहाँ करते हैं? जो साझेदार का ये खाता हमने बनाया है दोनों तरफ डेबिट और क्रेडिट करके, तो लास्ट में यहाँ पे जो शेष निकाल के हम लिखते हैं लास्ट के समय, इसे किस नाम से लिखते हैं? तो इसे हम या तो बैंक के नाम से लिखते हैं या फिर कैश के नाम से, अर्थात सीधी सीधी बात, बैंक खाते में हस्तांतरित करके बंद कर दिया जाता है। दोस्तों अगला देखिए, यहाँ सही जोड़ी बात है, स्तंभ आ और स्तंभ बा है। अलिखित दायित्व का जो भुगतान होगा उसे तृतीय पक्ष को देंगे, निजी संपत्ति, साझेदार या फिर पर्याप्त रकम लाना या वसूली खाते। तो देखिए, असीम अलिखित दायित्व का भुगतान किसे किया जाएगा? अलिखित दायित्व का भुगतान करने का पूरा पूरा जिम्मा जो है वो साझेदारों का होगा, क्योंकि उन्होंने कभी लिया होगा और लिखा नहीं, तो अब कौन भुगतान करेगा? तो साझेदार करेंगे। पूंजी खाते का जो डेबिट शेष है, आप देखिए यहाँ पे पूंजी खाते का कौन सा शेष है? डेबिट शेष है, तो इसे आप कहाँ लिखोगे? पूंजी खाते का जो डेबिट शेष है इसे कहाँ लिखोगे? डेबिट शेष जो होगा पूंजी खाते का, इसे कहाँ लिखना होगा? आप देखिए, आपके पास रकम नहीं है, यानी पूंजी कम है, पूंजी हमेशा क्रेडिट होती है, अब कम है पूंजी, इसलिए तो इसे डेबिट शेष में लिखा गया। सीधा सीधा मतलब यह है कि पर्याप्त रकम लाने के लिए इसे डेबिट में लिखा जाएगा। दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल आपको याद रखना है, पर्याप्त रकम लाने के लिए इसे डेबिट शेष लिखा जाएगा। साझेदारों का व्यक्तिगत दायित्व जो होगा, जो व्यक्तिगत दायित्व होता है साझेदारों का, इसे कहाँ लिखा जाता है? तो इसे व्यक्तिगत दायित्व जो होगा वो निजी संपत्ति से ले लिया जाएगा दायित्व, व्यक्तिगत दायित्व जो होगा। अब देखिए, विघटन के प्रथम पश्चात प्रथम भुगतान किसको करेंगे? सबसे पहले विघटन हुआ तो सबसे पहले हम किसको देंगे यहाँ पे पैसे? तो विघटन यदि होता है हमारा, तो सबसे पहले विघटन होने पर हम अन्य तृतीय पक्षकार, जो अन्य व्यक्ति होते हैं, उनको हम यहाँ पे पैसे देते हैं, उनको भुगतान करते हैं। और अंत में बचता है हमारा कि यहाँ पे देखिए आप, अंत में जो है कि वसूली खाते का लाभ जो है वो डेबिट पक्ष में लिखा जाता है वसूली खाते के। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर करें जिससे उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। और यदि आपको कोई आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप हमसे बेझिझक कॉमेंट्स करके पूछ सकते हैं, हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। और भी कोई चैप्टर समझ नहीं आता होगा तो वो भी आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप हमें बता दें, तो हम आप वो
आपको वह भी समझा देंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।